पापा अपने साइड के पास बहुत लोग खड़े हैं। वो देखिए। हे, कौन हो तुम लोग और मेरी जमीन पर क्या कर रहे हो? बंद करवाओ ये काम। ओए मिस्टर, जगह नहीं देने के लिए बहुत मच कर रहा था ना तू। अरे मैं क्या तेरी जान मांग रहा हूँ? अरे खाली पड़ी हुई जगह ही तो मांग रहा था ना। ये डॉक्यूमेंट पे साइन कर। हे, गुंडागिरी दिखा रहे हो तुम मुझे? अरे कौन आएगा सामने, दिखाओ आकर। पैसा पैसा जमा करके पसीने बहाकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए जमीन खरीदी है मैंने, और तुम यहाँ पर आकर मेरी जमीन पर कब्जा कर रहे हो? पेन पकड़ने वाले हाथों में लकड़ी, तुमको क्या लगा हम सब डर जाएंगे? किसी को मारने के लिए जिगरा चाहिए मिस्टर। घर में जाके गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा पढ़ो, समझे? मवाली कहीं के मेरे से बात करने की तुझमें तमीज नहीं है? मेरी एरिया में आकर मेरी ही जगह पर हाथ डालेगा तू? ए बंद कर ये सब। ए गुस्से में तुम और भी खूबसूरत लगती हो रानी। ऊपर वाले ने तुम्हें बहुत फुर्सत से बनाया लगता है। सॉरी सॉरी सॉरी, भगवान ने नहीं, मास्टर जी ने। मास्टर जी अगर अगली बार इस एरिया में दिखेगा ना, काट डालूंगा तुझे। तूने बहुत बड़ी गलती की है, मुझ पे नजरें उठाने वालों को छोड़ता नहीं। तूने तो हाथ चल निकाल, चल निकाल। सही वक्त पर आकर आपने हम सबको बचा लिया। आपका ये एहसान कैसी बात, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। नमस्ते। नमस्ते। पियो पियो पियो, दिमाग शांत होने तक पियो। लड़कियां, दारू, अय्याशी और ये चेस, और क्या चाहिए तुम्हें? यही तुम्हारी दुनिया है। कोई तुम्हारे भाई को मारे काटे, तुम्हें क्या करना है? बस शांति में ही समाधान है।
उस भगवत गीता में भी। तुम्हारा ये भाषण इन्हें दो, मुझे मत दो। ए, मेरी बात सुन, अपमान चाहे तेरा हो या मेरा हो, बात एक ही है। जो मेरे साथ हुआ है वो अगर तुम्हारे साथ हुआ होता तो ऐसे शांति से नहीं बैठे रहते तुम। ए, मुझे भी तकलीफ होती है, एक नहीं दो नहीं पूरे 20 सालों से मैं धंधा संभाल रहा हूँ और वो लोग इसे एक पल में खत्म कर देना चाहते हैं। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो देखना हमारे एरिया में कुत्ता भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। और तू सातवीं फेल एक लड़की के लिए हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने चला है। जब वो लड़कों ने तुझे पीटा तो उस समय तूने क्या हाथ में चूड़ियां पहन रखी थी? देखो बार बार उसी मैटर पे बात मत किया करो, अभी जाता हूँ और उसे उठाकर ले आता हूँ। हाँ, तू एक बोतल पिएगा और उसे उठा लाएगा। दारू तुम पीते हो या मैं पीता हूँ? देख मेरे भाई, मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ, तू बस अपने जज्बातों पर काबू रख, ध्यान से सुन। देख, हारने के बाद शांति का मंत्र जाप करने वाला आदमी नहीं हूं मैं, मौके पे चौका मारने वाला इंसान हूं, लेकिन तू अभी नहीं समझेगा। तू अभी जा, तू टेंशन मत ले। अरे मैं हूं ना, जा। देखो सेठ, पूनम अपार्टमेंट की डील के लिए ये वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं है, जैसे ही सही मौका मिलेगा मैं बता दूंगा। ठीक है भाई। उठिए ना जी, क्या हो गया आपको? पूनी जी, क्या हुआ अंकल को? अचानक बोले कि चेस्ट पेन हो रहा अंकल? और फिर बातें नहीं कर रहे, बेहोश हो गए। अच्छा, पापा एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। देखिए, सेकंड टाइम पेजर हार्ट अटैक आया है। ही इज नो मोर, आई एम सॉरी। अपने आप को संभालिए आंटी, ये लीजिए, होटल वाले ने जो पैसे बचे थे वो भेजे हैं। घर का मालिक तो हमें छोड़कर चला गया, हम इन पैसों का हम क्या करें बेटा? रोनी जी, अगर अंकल होते और आपको इस हालत में देखते तो उन्हें अच्छा लगता? वो तो आपको हमेशा हमेशा हंसता खेलता और खुश देखना चाहते थे। संभालिए अपने आप को, और हाँ, कल सुबह रेडी रहना अंकल की समाधि के पास जाकर। आपके दिल में जो भी दुख है, दर्द है, मन की सारी बातें बताकर जितना जी चाहे रोइए, तभी आपका मन हल्का। हाँ बेटी पूर्णी, उसके बाद तुम्हारा दिल भी हल्का होगा, तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी बेटी, शांति मिलेगी। प्लीज अभी उठिए और सारे लोगों को संभालिए। कल से ना आपने खाना खाया है और ना ही बाकी के लोगों ने। प्लीज पूर्णी, प्लीज उठिए।